नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार 4-5 सालों से पूछा जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो वैसे बात करें, शक्ति अथवा सामर्थ्य किसे कहते हैं, तो वो कार्य करने की दर को हम शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे वैद्युत सामर्थ्य यानी इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे तो जिसमें हमारा वैद्युत परिपथ आ जाएगा, तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन इस तरीके से बताएंगे, यानी वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को अथवा ऊर्जा के क्षय होने की दर को हम वैद्युत सामर्थ्य अथवा वैद्युत शक्ति कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत लगा हुआ है तो हम इलेक्ट्रिक में ही बात करेंगे। तो वैद्युत परिपथ में कार्य करने की दर को शक्ति वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो बात करें, इसको हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत शक्ति को हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट, और इसका आधार एक मात्रक होता है उसको बोलते हैं हम जूल प्रति सेकंड। तो इसका मात्रक वाट भी हो सकता है, जूल प्रति सेकंड भी हो सकता है, दोनों इसके मात्रक होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लिया जाता है वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, ये वहाँ पर अक्सर आपको इसका मात्रक मिलेगा जूल प्रति सेकंड लिखा हुआ, वाट बहुत कम मिलेगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको ये याद कर लेना इसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। मान लीजिए यानी जो कार्य है वो डब्लू है, यानी डब्लू कार्य करने में टी सेकंड का समय लगता है, तो वैद्युत शक्ति होगी वो होगी पी इक्वल टू डब्लू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। कार्य करने की दर, दर का मतलब होता है उसमें समय का भाग दे देना, तो यहाँ पर हमने कार्य में समय का भाग दे दिया तो ये हो गया कार्य करने की दर हो गई, तो ये इसकी होगी परिभाषा। तो पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डब्लू अपॉन टी। तो ये डब्लू, इससे पहले हमने वैद्युत ऊर्जा वाले टॉपिक में पढ़ा था डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू वी। तो ये डब्ल्यू की जगह हम क्या लिखते हैं, क्यू इंटू वी अपॉन टी वाट, ये इसका एक अन्य फॉर्मूला हो जाएगा। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी अपॉन टी, तो ये इसका एक और फॉर्मूला हो गया। लेकिन बिना दैट हम जानते हैं यानी क्यू अपॉन टी इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, यानी आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो इस वाले फॉर्मूला क्यू अपॉन टी के स्थान पर हम आई लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी आई। तो ये वैद्युत शक्ति का एक और अन्य फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम बात करें तो ओम के नियम से वी इक्वल टू होता है आई आर, तो यहाँ पर वी की जगह हम आई आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा। तो ये एक और वैद्युत शक्ति का नया फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला आ सकता है, यानी पी इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले में आई की जगह यानी वी आई, यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी अपॉन आर आ जाएगी, यानी यहाँ से हम आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा वी अपॉन आर। तो इस वाले फॉर्मूले में आई की जगह वी अपॉन आर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमें एक और फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो जितने वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले थे उसी प्रकार से यहाँ पर वैद्युत शक्ति के भी भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्मूले निकाल दिए गए हैं। तो सबके बाद में हम वाट लगा सकते हैं क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, वाट। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।